फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज मैं स्पिनच हार्वेस्ट करने आई हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ स्पिनच हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों, ये है मेरे गार्डन की मालाबार स्पिनच। इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि वाइन स्पिनच, क्लाइंबिंग स्पिनच, हम बंगाली इसे पुई शाक कहते हैं और गुजराती में इसे पुईनी भाजी कहते हैं। और भी कई सारे नाम होते हैं, लेकिन मुझे इतना ही बस पता है। तो फ्रेंड्स, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक है रेड वैरायटी वाले मालाबार स्पिनच और एक होते हैं ग्रीन वैरायटी वाले मालाबार स्पिनच। मेरे गार्डन में ग्रीन वाले मालाबार स्पिनच हुए हैं। ग्रीन वाले मालाबार स्पिनच को बसेला आल्बा कहा जाता है और जो रेड वैरायटी के मालाबार स्पिनच है उसको रूब्रा कहा जाता है। तो दोस्तों, कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाने से पहले आपको जान लेना है कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स कितने होते हैं। तो मैं भी आप सबको वो जानकारी दे दूं कि मालाबार स्पिनच के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। मालाबार स्पिनच जिनके कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, हार्ट को हेल्दी रखते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उनको इंक्रीज करते हैं और लंग्स को भी अच्छे रखते हैं। तो दोस्तों, आप सब ने देखी है कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स है इस मालाबार स्पिनच में, और इसे ग्रो करना भी बहुत ही ईजी है। मेरे जो ये मालाबार स्पिनच की ब्लैक कलर की सीड सूख जाएंगे, उसे मैं फिर से ग्राउंड में लगा दूंगी, तो उसी से ही ये फिर से ग्रो हो जाएगी। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये और ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए मेरे गार्डन में बहुत सारे मालाबार स्पिनच हर साल होते हैं और मैं उसे हार्वेस्ट भी करती हूँ, लेकिन पहली बार मैं मेरे मालाबार स्पिनच की हार्वेस्टिंग की वीडियो बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप सबको पता है इस मालाबार स्पिनच में विटामिन ए, बी, सी और कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन जैसी बहुत सारे गुणों से ये मालाबार स्पिनच भरे हुए हैं। तो क्यों ना खाएं ये वेजिटेबल। और ये देखिए, इस साइड में भी बहुत ही बड़े हुए हैं और इसके बहुत सारे लीव्स और ब्रांचेस भी हुए थे, हमने वो काट के घर पे इसकी रेसिपी बनाई है। तो आज मैं इसकी जो सीड्स यानी कि जो स्पिनच की फ्लावर होते हैं उसको हार्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। तो सारी जानकारी मैंने आप सबको दे दी है, तो चलिए अब मैं एक सीजर के सहारे इसे हार्वेस्ट करती हूँ। ये देखिए, ये जो व्हाइट कलर के है ये है मालाबार स्पिनच की फ्लावर। ये देखिए, सामने ही होते हैं और ये जो पीछे है ये है उसी फ्लावर से बने हुए सीड्स। ये देखिए, ये ब्लैक कलर के, और इसी सीड से न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है। मैं यहाँ से मालाबार स्पिनच की सीड्स को हार्वेस्ट करूँगी, जो ग्रीन वाले हैं उस सीड्स को रेसिपी बनाऊँगी, घर पे खाऊँगी, और जो ब्लैक वाले हैं उसको सुखा कर फिर मैं अगले सीजन में यानी कि समर सीजन में इसको न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए सुखा कर रख दूंगी। तो दोस्तों, ये देखिए, ये देखने में थोड़े ब्लैक बेरीज की तरह होते हैं, छोटे छोटे। ये देखिए, बहुत सारे सीड्स बन गए हैं न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए। मैं इसे सुखा कर रख दूंगी और जो ग्रीन वाले हैं उसको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी अभी एक सीजर के सहारे। बस इस तरह से हल्के हाथों से कट करने से ही ये कट हो जाते हैं। ये देखिए, और आज मैं जितना भी हार्वेस्ट करूंगी उनमें से सभी मैं घर पे नहीं करूंगी, मेरे जो चाची है उनको मैं थोड़ा सा दूंगी, क्योंकि वो भी ये खाने में बहुत ही पसंद करते हैं। इसीलिए ये देखिए, सभी सीड्स को मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, हम बंगालीज इसे पुई मिठोली कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा।
और ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट। और दोस्तों इससे बनी हुई रेसिपी में अगर आप थोड़ा सा प्रॉन दे देते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अगर प्रॉन ना हो तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉन देने से स्वादिष्ट होगा, यही बेस्ट कहना था। तो मैं तो थोड़ा सा प्रॉन मिलाऊंगी तो इससे बनने वाली रेसिपी और भी यम्मी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बहुत सारे हार्वेस्ट कर ली है, और भी बहुत सारे हैं, मैं वो भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने फाइनली मेरे जितने भी सीड्स थे और थोड़ा सा लीव्स को भी मैंने हार्वेस्ट की है, एक साथ मिलाकर ही इसकी रेसिपी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबाने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू।